का पोल्यूशन जो है वो बहुत कम है, तो बाहर से जो पोल्यूशन आ रहा है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? आज पूरी दिल्ली के अंदर हजारों हजारों बच्चे, मोर देन अ लैक ऑफ स्टूडेंट्स, आरडब्ल्यूएस सिटीजंस, आदमी और बच्चे सब लोग मिलके पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। पोल्यूशन के खिलाफ एक तरह से दिल्ली के लोगों ने जंग छेड़ दी है, ये एक मास मूवमेंट बनता जा रहा है। जैसे दिल्ली ने ऑडिवन सक्सेसफुल किया था, ऐसे ही दिल्ली अब ये पेड़ लगा के प्रदूषण से निजात पाएगी। मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। मैं ये भी सबसे निवेदन करता हूँ, आज तो सरकार द्वारा लगाए गए साइट्स के ऊपर पौधे लगाए जा रहे हैं जहाँ सरकार उनकी देखभाल करेगी, उसके लिए हम जियो टैगिंग वगैरह सब कर रहे हैं। सब लोगों से निवेदन है कि अपने घर के सामने भी या आसपास कहीं एक पौधा लगाएं और उसकी जिम्मेदारी खुद लें। हम सबको मिलके इसको ठीक करना है। जैसा बताया गया है कि स्टडीज़ हुई हैं जो कहती हैं कि लगभग 60-70% पोल्यूशन दिल्ली का जो है वो दिल्ली के बाहर से आता है। दिल्ली अपना पोल्यूशन 30-40% जनरेट करती है, लेकिन इसकी वजह से हम चुप नहीं रह सकते, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। बाहर से भी अगर पोल्यूशन आता है तो हमें तकलीफ तो हमें ही देता है ना। तो ये जो पौधे और पेड़ लगाए जाएंगे ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे लग गया था, आप सब लोग जानते हैं, 2000 बसें लगभग हम खरीदने वाले थे, दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे लगा, हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से हमें 500 बसेस खरीदने की परमिशन मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस हाई कोर्ट जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट अपना स्टे उठाएगा और जल्दी हम ये 2000 बसें खरीद पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, इलेक्ट्रिक बसेस का पूरा हमारा प्लान बन गया है, मुझे उम्मीद है कि अगले साल के सेकेंड क्वार्टर तक इलेक्ट्रिक बसेस की डिलीवरी आनी शुरू हो जाएगी। तब तक हमें कंसल्टेंसी पूरे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस के लिए चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब बनाने हैं।